अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे रसमलाई हलवा स्टाइल, एकदम स्पॉन्जी। ये बहुत बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स खाने में, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो उसके लिए लिया है हमने 2 लीटर दूध, आप देख सकते हो दो जगह दूध रखा है हमने। 1 लीटर दूध इसमें ले लिया, 1 लीटर इसमें। इसका हमको रबड़ी बनाना है, इसका छेना बनाना है। इस कटोरी से 2 कटोरी शक्कर, इसका हमको शुगर सिरप बनाना है। 1 चम्मच लिया हमने इलायची पाउडर, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 नींबू का रस ले लिया है पूरा, ड्राई फ्रूट ले लिए हमने बादाम और काजू, 2 चुटकी हमने कलर ले लिया है केसरी कलर, आप इसकी जगह पे ज़ाफ़रान का भी यूज़ कर सकते हो। देखिए पतीले वाला दूध हमने गैस पे उबलने के लिए रख दिया है, इसमें उबाल आने देते हैं। देखिए दूध में उबाल आ चुका है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से इसके अंदर उबाल आ चुका है। अभी हम गैस बंद कर देंगे, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे, फिर इसके अंदर नींबू का रस ऐड करेंगे। देखिए दूध हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, अभी थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर नींबू का रस ऐड करेंगे, एक साथ नहीं करना है, इससे छेना हमारा बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से उसको मिला देंगे। मिलाकर वापस से हम नींबू का रस ऐड कर रहे हैं, थोड़ा रुक रुक के ऐड करेंगे इस तरह से इसको मिला देंगे। देखिए पूरा ही डाल देते हैं, इसको मिक्स करेंगे, पूरा ही डाल दिया हमने। आप देख सकते हो कितने अच्छे से छेना हमारा बनकर तैयार हो चुका है, पानी अलग और छेना अलग। अभी हम इसको छान लेंगे। देखिए छानने के लिए मलमल का या कॉटन का कपड़ा ले लीजिए और नीचे कोई भी छन्नी रख दीजिए छेने को छानने के लिए, और इसको छान लेंगे। और इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से धो लेंगे ताकि नींबू का खट्टापन पूरा निकल जाए। और छेना बनाने के लिए हमने गाय का दूध का यूज किया है और रबड़ी के लिए भैंस का दूध, इससे बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाता है छेना गाय के दूध से। अच्छे से इसको धो लेंगे, पूरा खट्टापन इसका निकलना चाहिए। देखिए बहुत अच्छे से हमने इसको धो लिया है, अभी हम इसको इस तरह से उसका पूरा पानी निकाल देंगे। दबा दबा कर निकालेंगे और इसको ऐसे इस छन्नी पे रखेंगे ताकि और भी जो पानी रहेगा उसका निकल जाएगा। इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न रख देंगे, तो हमने एक कांच का बाउल रख दिया है ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेगा छन्ने में से निकल कर नीचे चले जाएगा। छेना हमारा रेस्ट हो रहा है, तब तक हम रबड़ी तैयार कर लेंगे। दूध हमने रख दिया है पैन वाला गर्म होने के लिए, दूध को गर्म होने देते हैं। देखिए दूध हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम इलायची पाउडर ऐड करेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, थोड़े हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। केसरी कलर जो लिया था हमने 2 चुटकी वो ऐड करेंगे, आप इसकी जगह पे केसर भी ले सकते हो। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, आप कलर ना डालना चाहो तो ना डालिए, इसकी जगह पे आप केसर डालिए।
हम कलरी डालना पसंद करते हैं, से बहुत अच्छा कलर आ जाता है। देखिए एक चम्मच शुगर इसके अंदर ऐड करेंगे, रबड़ी भी हमारी थोड़ी सी मीठी हो जाए। दूध थोड़ा सा हमारा पकने तक हम इसको पका लेंगे, ज्यादा थिक नहीं करना है हमको, रबड़ी को पतला ही रहने देना है। देखिए मीडियम फ्लेम पर हमारी रबड़ी को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और इस तरह से साइड से जो मलाई इसकी आती है वो भी अंदर डालते जाना है। आप देख सकते हो हमारी रबड़ी ज़्यादा थिक नहीं है और ज़्यादा पतली भी नहीं है, मीडियम ही रहना चाहिए। देखिए अभी रबड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, अभी हम गैस बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए गैस के ऊपर हमने पतीला रख दिया है, अभी हमको शुगर सिरप बनाना है। शक्कर ऐड करेंगे, दो कटोरी शक्कर लिया था हमने, 4 कटोरी 6 कटोरी पानी ऐड करेंगे। छह कटोरी पानी हमने ऐड किया, देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमको इसकी चाशनी नहीं बनानी है, कुछ नहीं, सिर्फ शुगर सिरप बनाना है। शुगर को मेल्ट होने तक इसको इस तरह से चलाएंगे। देखिए आप देख सकते हो शुगर हमारी मेल्ट हो चुकी है, शुगर सिरप हमारा बनकर तैयार हो चुका है, अभी हम गैस बंद कर देंगे। देखिए छेने में से भी सब पानी निकल चुका है बहुत अच्छे से, आप देख सकते हो। अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए आप देख सकते हो कितने अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है हमारा छेना। देखिए अभी हम इसको मल लेंगे, इस तरह से हथेली से मलना है, मक्खन की तरह उसको चिकना कर लेना है। देखिए इस तरह से, एकदम अच्छे से हम इसको चिकना कर लेंगे मक्खन की तरह। देखिए आप देख सकते हो हमने इसको 20 मिनट इस तरह से रगड़ रगड़ कर एकदम चिकना कर लिया है मक्खन की तरह, इस तरह से उसमें घी दिखना चाहिए। अभी हम इसके अंदर जो एक चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया था वो ऐड करेंगे, इसकी जगह पे आप अरारोट भी ले सकते हो या फिर मैदा भी ले सकते हो। अच्छे से मिक्स कर देंगे, 15-20 मिनट आपको इसको इस तरह से हथेली से रगड़ना ही है। देखिए कॉर्नफ्लोर डालकर हमने इसको वापस से 5 मिनट और इसको इस तरह से मल लिया है, आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये तैयार हो चुका है। अभी हम इसके बॉल्स बना लेंगे, छोटा बड़ा आप जितना चाहो उतना बना सकते हो, आपकी ऊपर है, आपको बड़ा रखना हो तो बड़ा रखिए, छोटा रखना हो छोटा, हम थोड़े मीडियम साइज के बनाएंगे। देखिए मीडियम साइज के बॉल हमने बनाकर तैयार कर लिए है, इस तरह से इसको गोल गोल करेंगे पहले और फिर इसको इस तरह से दबा देंगे। हथेली से इस तरह से दबा देंगे, बहुत इजी है बनाने में। देखिए एक बना लिया हमने और एक दिखा देते आपको। देखिए इस तरह से दबाना है,
देखिए। इसी तरह से हम सब तैयार कर लेंगे। देखिए सभी बनाकर हमने तैयार कर लिए है। देखिए शुगर सिरप को हमने बॉईल होने के लिए रख दिया, इसमें अच्छे से बॉईल आना चाहिए, बॉईल में ही डालना है हमको। देखिए इसमें उबाल आ चुका है, इसी तरह का उबाल इसके अंदर बना रहने देना है और फिर इसको ऐड करना है। एक एक करके ऐड करेंगे। आप इस बात का ध्यान रखें शुगर सिरप में उबाल बना ही रहने चाहिए। शुगर सिरप को ठंडा बिल्कुल भी नहीं होने देना है, उबाल आते रहेगा, एक एक पीस डालते जाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। देखिए डाल दिए हमने सभी, अभी हम इसको ढक देंगे, ढककर इसको 10 मिनट पकने देंगे। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट के बाद हम इसके साइड को चेंज करेंगे ताकि इस साइड से भी अच्छे से हो जाए, फूल कर ये डबल हो जाते हैं। देखिए सभी पीसेस को पलट देंगे। देखिए सभी पीसेस हमने पलट दिए, वापस से हम इसको ढक देंगे, ढककर वापस से इसको 10 मिनट पकाएंगे। देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इस साइड से पकते हुए, आप देख सकते हो इसकी क्वांटिटी में कितने फूल का डबल हो चुके हैं। देखिए देखिए सभी रसमलाई हमारी फूल कर डबल हो चुकी है, आप खुद देख लीजिए, बहुत अच्छे से फूल कर तैयार हो चुकी है, बहुत स्पंजी बनकर तैयार हो चुकी है। अभी हम गैस बंद कर देंगे और इसी में इसको ठंडा होने देंगे। देखिए रसमलाई हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, शुगर सिरप में हमने इसको ठंडा होने दिया है, आप देख सकते हो। अभी हम इसको शुगर सिरप से निकाल कर रबड़ी में ऐड करेंगे, तो किस तरह से करेंगे वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से लेंगे और इस तरह से इसका शुगर सिरप पूरा निकाल देंगे दबाकर, और इस तरह से एक एक करके हम रबड़ी में ऐड करेंगे। रबड़ी का पैन हम रख देते हैं इधर। देखिए रबड़ी के पैन हमने इधर पे रख दिया है गैस के ऊपर, गैस हमने चालू नहीं किया है, बंद ही है। शुगर सिरप में से निकाल कर रबड़ी में ऐड करेंगे, सभी पीसेस हम निकाल देंगे, इसमें ऐड करते जाएंगे। देखिए सभी पीसेस हमने रबड़ी में ऐड किया, आप देख सकते हो। अभी हम इसको एक बॉल में निकालेंगे और फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये देखिए पैन से हमने निकाल कर इस तरह से हमने इसको प्लेट में रख दिया था ट्राई में, आधे घंटे के लिए फ्रिज में, तो आप देख सकते हो इस तरह से हमने इसकी गार्निशिंग की है बादाम और काजू से। हम आपको उठा कर भी दिखा देते हैं कितने अच्छे से इसने रबड़ी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। देखिए कितने अच्छे से इसने रबड़ी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, ये बहुत फूल कर बड़ी भी हो चुकी है, आप देख सकते हो। बहुत अच्छे से रसमलाई हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, इस तरह से हमने इसको सर्व किया है और इसको ठंडा ठंडा ही सर्व किया जाता है, बहुत बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। हमने आधे घंटे के बाद सर्व किया है, आप इसको एक दो घंटा फ्रिज में रख कर फिर सर्व कीजिएगा। तो लीजिए बनकर तैयार, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो चुकी है, तो आप भी ट्राई कीजिए इस रेसिपी को हमारी। तो हमारी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमेशा की तरह अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेजते रहिए। इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई कीजिए, इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए। और हमारी रेसिपीज के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स में आपके फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते और एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।